दोस्तों फिर एक बार स्वागत है आपका एक नए बिजनेस एपिसोड में, और आज मैं आपके लिए एक ऐसा धमाकेदार प्रोडक्ट लेकर के आया हूं जिसको आपने कई जगहों पर देखा है। जी हां, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये जो प्रोडक्ट है ये आपने कम से कम 10 बारी तो देखा ही होगा। भले आप रेलवे स्टेशन पर जा रहे हो, आप किसी बस स्टैंड पर जा रहे हो, किसी मॉल में जा रहे हो, किसी कैफे में अगर आप जा रहे हो, किसी पब्लिक प्लेस में जा रहे हो, कॉलेज स्कूल के बाहर जा रहे हो, तो आपको इस तरह के कंटेनर जूसर सिस्टम्स आपको मिलते ही हैं, जिसके अंदर अक्सर नींबू पानी, शिकंजी या फिर आपको मैंगो पाइनएप्पल जैसे फ्लेवर्स मिलते हैं। और ये फ्लेवर्स की डिमांड मार्केट में इतनी ज़्यादा होती है कि लोग इसको पीते ही पीते हैं। अब असल में ये बिजनेस को करके लोग कितना प्रॉफिट जनरेट करते हैं ये आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास में दो प्रोडक्ट्स है, एक तो है 3 कंटेनर जूसर मशीन और दूसरा है 2 कंटेनर जूसर मशीन। दोनों ही मशीन्स आपके सामने रखी हुई है। दोनों में फ़र्क क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 कंटेनर है, साइज में थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा छोटा कॉम्प्रेसर आपको मिल जाता है, नीचे की बॉडी स्टेनलेस स्टील है, इसके अंदर भी स्टेनलेस स्टील है, और दोनों ही मशीन्स में हार्मेटिक कॉम्प्रेसर मिलता है, यानी कि 10 मिनट से भी कम टाइम में जो भी लिक्विड या फिर जो भी जूस आप इन मशीन्स के अंदर फिल करोगे वो बिल्कुल ही चिल्ड होकर के आपको मिलेगी। जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक मैंगो है और एक जो है रूह अफजा फ्लेवर है, और ये फ्लेवर हमने डाल करके लगभग 10 मिनट हुआ है और ये 10 मिनट में ही बिल्कुल चिल्ड हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हो ये 10 मिनट में ही बिल्कुल चिल्ड हो गया दोस्तों, और 10 मिनट में ही बिल्कुल चिल्ड हो गया। और इसकी सर्विंग में आपको बताता हूँ अभी सर्विंग किस तरीके से होती है। दोस्तों ये जो मशीन है, अभी आप देखिए ये जो मशीन है इसके अंदर अक्सर होता है कि 200 से 250 ml की सर्विंग हम कस्टमर्स को जो है देते हैं, कंपनी अपना जो शॉप वाले होते हैं। अभी ये दोनों में से कोई भी फ्लेवर अगर आपको देना है तो इसके अंदर आपको पहले तो एक फ्लेवर बनाना है बेसिक सा, जो भी इसका फ्लेवर आप बनाओगे, और फ्लेवर बना के आपको कंटेनर में डालना है और आपको मशीन ऑन कर देनी है। इतना करने के बाद में 10 मिनट में ये चिल्ड हो जाएगा, फिर आपको इस तरीके से सर्विंग निकालनी है, ये आप देख सकते हैं, और ये देखिए आप इस तरीके की 200 ml की सर्विंग आप अपने कस्टमर को सर्व कर सकते हो। अब दोस्तों ये तो हो गई इस मशीन की बात, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक दूसरी मशीन दिख रही है जिसके अंदर 3 कंटेनर्स हैं, यानी कि एक ही समय पर आप इसमें 3 अलग अलग जो है फ्लेवर्स बना करके ऐड कर सकते हैं और 3 फ्लेवर्स में आप बिजनेस कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये इसमें जितने ज़्यादा कंटेनर उतने ज़्यादा फ्लेवर्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन कैसे होता है। एक सर्विंग जो होती है वो बनाने की जो लागत आती है 2 से 2.5 रुपए आती है, वो कैसे आएगी, इसका जो कॉस्टिंग है वो आपको कंपनी से जानने के लिए मिल जाएगा। इसकी कॉस्टिंग अगर रफ मैं आपको बताऊं तो 50 पैसे का ग्लास आता है और 1.5 से 2 रुपए का जो है इसके अंदर सर्विंग का जूस अच्छे से अच्छे फ्लेवर का आप बना करके दे सकते हो। 2 से 2.5 रुपए इसकी कॉस्टिंग आ जाती है, 10 रुपए रिटेल मार्केट में पर ग्लास ये सेल होता है। चाहे आप इसको किसी बस स्टैंड के बाहर लगाइए, चाहे आप किसी रेलवे स्टेशन के बाहर लगाइए, किसी मॉल में आप इसको लगा सकते हैं, किसी पब्लिक प्लेस के बाहर आप लगा सकते हैं, कॉलेजेस के कैंटीन्स में, स्कूल्स के बाहर आप लगा सकते हैं, और कई जगहों पर आप इसका शॉप लगा सकते हैं, या फिर आपकी कोई किराना वगैरह की स्टोर है तो आप बाहर इस मशीन को लगा करके भी अपना बिजनेस आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर आप इस मशीन को लगा करके एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मैं आपको नूतन सोडा कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ जिसपे आप कॉल करके ये मशीन को ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी सिर्फ एडवांस अमाउंट दे करके आप मंगा सकते हैं, पूरा पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी आप कर सकते हैं और दोस्तों ये बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे ही प्रोडक्ट्स और बिजनेस आइडियाज के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई बिजनेस आइडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।